हेलो एंड शालोम एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं कि सिर्फ नॉलेज होने से ही, वचन का ज्ञान होने से ही इंसान स्वर्ग के राज्य का अधिकारी नहीं बन सकता। और इसी सिलसिले में आज दो एग्जांपल्स के साथ हम सीखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे परमेश्वर के दास एलीशा के बारे में। हम जानते हैं और ये एक ऐसा दास था जिसने अपने उस्ताद से जब मांगा तो उसको दुगना मसा, उसे डबल अनॉइंटिंग का पोर्शन परमेश्वर की ओर से मिला। और जाहिर सी बात है कि उनके साथ रहने वाले लोग भी इस बात को जानते थे, उनकी सेवा करने वाले लोग, उनके साथ मिनिस्ट्री करने वाले लोग, उनसे सीखने वाले लोग सब जानते थे कि वो एलिया का दुगना मसा पाए हुआ इंसान है। और चले एक कहानी से शुरू करते हैं जो कि दूसरा सलातीन सेकंड किंग्स में आपको मिलता है इसका जिक्र। और पांचवें चैप्टर में जब आप 1 से लेकर 27 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर नमान कोड़ी के बारे में लिखा गया है। काफी लोगों को इस स्टोरी के बारे में पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनके लिए ये बात थोड़ी सी दोहराना चाहूंगी और फिर मैं आपको मुद्दे पर लेकर आऊंगी। नमान कोड़ी था जो कि बहुत बड़ा सूरमा तो था और सीरिया का अच्छा सरदार भी था और वो पूरी फौज, पूरी सेना को देखा करता था और बहुत सारी लड़ाइयां भी जीत चुका था, लेकिन वो कोड़ी था और उसके कोड़ की वजह से वो परेशान भी था। ऑब्वियसली बात है क्योंकि उस जमाने में कोड़ी का एक मुकाम अलग ही हुआ करता था। और जब उसे वो स्लेव गर्ल से पता चलता है जो उसके घर में काम करती है कि अगर वो हमारे इज़राइल देश में होते तो वहां पर परमेश्वर के एक नबी हैं जो उन्हें ठीक कर सकते थे, तो इस बात की पुष्टि करने के लिए, इस बात को देखते हुए नमान कोड़ी जो है वो वहां पर पहुंच जाता है। और टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो राजा से होकर एलीशा नबी तक पहुंच जाता और एलीशा नबी बाहर आकर उसको देखता तक नहीं है। अब ये इंसान बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारी सोना और चांदी लेकर आता है, लेकिन परमेश्वर का दास एक इंस्ट्रक्शन भिजवाता है अपने मैसेंजर के द्वारा और उसे कहता है कि यर्दन में 7 बार गोते मार ले और तेरी सारी की सारी मुसीबत जो है वो ठीक हो जाएगी और तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। नमान को गुस्सा तो बहुत आता है क्योंकि वो तो एक एक्सपेक्टेशन के साथ उस जगह पर पहुंचा था कि मुझे आकर सलाम करेंगे, मेरा हाल चाल पूछेंगे, मेरे लिए दुआ करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन एलीशा एक मैसेज भिजवा देता है। बहरहाल सब चीजों के बाद में नमान 7 बार डुबकी मारता और उसकी सारी की सारी स्किन ठीक हो जाती है, छोटे बच्चे की नाई ब्यूटीफुल हो जाती है। अब वो इतने सारे गिफ्ट जो लेकर आया होता है वो ले जाकर एलीशा के सामने रखता है और उसे कहता है, बहुत इसरार करता है, बहुत उसे प्रोजिस्ट करता है कि आप ले लें कोई गिफ्ट, बिकॉज जो काम आपने किया है ये तो मुमकिन ही नहीं था। और एलीशा क्योंकि परमेश्वर का दास था इसलिए उसने पैसे को नहीं देखा, उसने गिफ्ट को नहीं देखा, उसने सिर्फ परमेश्वर के नाम के अंतर्गत वो काम कर दिया और उसने उस नमान कोड़ी को वापस भेज दिया उसके गिफ्ट्स के समेत। अब एलीशा का एक सेवक, एक दास था जो कि उसके आसपास रहता था, जो कि उसकी सेवा करता था, जो कि दिन रात उसके उन कामों को देखता था जो परमेश्वर उसके जरिए से करते थे, एलीशा के जरिए से करते थे। लेकिन गेहाजी ने यह बात सोची कि अब नमान कोड़ी इतना सामान लेकर आया है, इतना कुछ उसके पास है, उसको खाली हाथ क्यों जाने दे। तो वो सोचता है और उसके बाद वो फटाफट दूसरी तरफ से भागकर नमान के पीछे पीछे हो लेता है। अब वहां जाकर वो इस बात को कहता है कि मुझे मेरे मास्टर ने भेजा है और अभी अभी 2 यंगस्टर्स हमारे पास आए हैं जो कि प्रॉफिट्स के बच्चे हैं और उनके लिए मुझे इस सामान की जरूरत है। तो वो कुछ कुछ सामान उनसे नमान से ले आता है। अब जब वो सामान लेकर आता है जाकर वो छुपा देता है और एलीशा के सामने खड़ा हो जाता है। एलीशा उससे पूछता तो कहाँ गया था, वो कहता है बस ऐसे ही कहीं पे भी नहीं। तो एलीशा कहता कि तुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, क्या तुझे नहीं पता था कि जहां जहां तू जा रहा है मेरा दिल तेरे साथ है और जो तू करके आया है मैं वो सब बात जानता हूं। और साथ ही साथ नमान का जो कोड था उसका श्राप, उसका कर्ज एलीशा अपने दास गेहाजी पर भेज देता है। और लिखा है उसी घड़ी से गेहाजी जो है वो स्नो की तरह लेपर्ड हो जाता है, उसकी सारी की सारी जो चमड़ी है वो वाइट हो जाती है और यही श्राप उसकी आगे पुश्तों के लिए भी दिया जाता है। अब कहने की बात ये है कि गेहाजी एक ऐसा इंसान था जिसने उस शुननाइट जो वुमन थी, जो शुनामी स्त्री थी, उसके घर में एक बड़ा मौजजा होते हुए देखा। उसने देखा कि कैसे उस औरत के घर में इतने सालों से कोई बेटा नहीं था, कोई बच्चा नहीं था और फिर एलीशा के
प्रार्थना करने से, बोलने से उस औरत के घर एक बेटा हुआ। जब वो बेटा मर गया तो फिर परमेश्वर की दया से एलीशा को प्रभु ने इस्तेमाल किया और वो बेटा जी उठा। गेहाजी ने इस बात को देखा कि कैसे एक विडो औरत को, जबकि वो बहुत परेशान थी कि उसके उसके सर पर कर्जदार खड़े हैं और उसके बच्चों को ले जाने के लिए तैयार हैं, तो वो देखता है कि कैसे एलीशा ने उस औरत को एक इंस्ट्रक्शन दी जिसमें कि वो तेल जो है बर्तनों में इकट्ठा करे और उसके बाद वो तेल बहता जाता है और वो बर्तनों में इकट्ठा होता जाता है और उस औरत के लिए ये बड़ा चमत्कार एक बड़ी बरकत को लेकर आता है। गेहाजी ने नमान के इस बड़े काम को देखा क्योंकि इससे पहले कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि एक कोढ़ी जो है वो कोढ़ से रिहा हुआ मुक्त हुआ। यानी गेहाजी ने अपनी आंखों से कुछ ऐसे ऐसे बड़े मौजूदे देखे, कुछ ऐसे बड़े बड़े काम देखे, एंड आई एम श्योर वो काम इसलिए देखे क्योंकि एलीशा परमेश्वर की नजर में सही चाल चलता रहा और वो परमेश्वर की नजर में सही तरीके से प्रार्थना करना जो जो भी उसके रूटीन में रेजीम में होता था वो करता होगा। एंड आई एम श्योर जब गेहाजी उन सारे कामों को देखता होगा तो कहीं ना कहीं वो ये सोचता होगा कि मेरा मास्टर, मेरा जो जो उस्ताद है, ही इज अ मैन जो कि परमेश्वर के साथ चलता है और इन सब चीजों को अंजाम दे पाता है। और एक चीज और आप देखें, जबकि सेकंड किंग्स की ही हम बात करें, उसके सिक्स चैप्टर में जब हम देखते हैं कि अराम की आर्मी जब वो कंस्पिरेसी कर रहे होते हैं इसराइल के लोगों के खिलाफ, इसराइल के किंग के खिलाफ, तो क्या होता है, जो जो वो युक्तियां बनाते हैं, जो जो वो प्लान्स बनाते हैं, वो सब प्लान्स फ्लॉप होते जाते हैं। तो वो राजा को एक बार लगता है कि हम में से कौन है ऐसा जो जाके इन्फॉर्मेशन उन्हें देता है, और वहां पर एनिमी की सेना ये बोलती है, उसमें से एक इंसान ये बोलता है कि उनके पास परमेश्वर का एक जन है, एक ऐसा दास है जो कि आपकी उन बातों को भी जान लेता है जो आप अपने कमरे में करते हैं। सो अब आप इस बात को जान सकते हैं, क्या गेहाजी इस बात को नहीं जानता था? अगर एनिमी को, अगर दुश्मन को इस बात का इल्म था कि परमेश्वर उसके साथ इस तरह सलूक करते हैं, उसके जरिए से इतने बड़े बड़े काम करते हैं, तो आई एम श्योर गेहाजी को भी इस बात का पता था। लेकिन इतनी सारे एक्सपीरियंसेस, इतनी सारी वचन की नॉलेज, इतनी सारी चीजें देखने के बावजूद, उसके साथ दिन रात चलने के बावजूद भी उसकी जिंदगी बदल नहीं सकी। तो जो बात मैं आज आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है कि सिर्फ वचन का ज्ञान होना ही काफी नहीं है। जब तक हम वचन पर ना चलेंगे तब तक इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो ज्ञान, वो नॉलेज जो है वो आपको स्वर्ग के राज्य में एंट्री दे सकती है। देखिए, दूसरा एग्जांपल जो मैं आपको देना चाहूंगी वो है, जबकि हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, उसके फोर्थ चैप्टर में आप देखें, जब कि वो टेम्प्टर, जबकि परीक्षा लेने वाला शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, तो वो प्रभु को क्या कहता है, अलग अलग तरह की उन्हें टेम्पटेशंस देने की कोशिश करता है। और छठी आयत में वो परमेश्वर यीशु मसीह को ये बात कहता है कि अपने आप को इस जो चुबारा है यहां से गिरा दे, क्योंकि तेरे बारे में लिखा है, इट इज रिटन फॉर यू, कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देंगे और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि तेरा पांव जो है वो पत्थर से ठेस ना खाए। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा मत ले, डोंट टेस्ट योर गॉड एडोनाई। अब क्या फर्क है यहां पर? यहां पर देखिए, शैतान भी ये बात कह रहा है कि लिखा है, इट इज रिटन, कि ये चीजें, और साथ में ही उसको काउंटर कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह ये कहकर कि लिखा है। अब दोनों ही स्क्रिप्चर्स को कोट कर रहे हैं, लेकिन क्यों परमेश्वर यीशु मसीह उस बात पर जो है वो काबू पा सकते हैं और उस पर हावी हो जाते हैं? क्योंकि जो इंसान सिर्फ वचन को जानता ही नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, जो इंसान सिर्फ वचन को जानता ही नहीं है लेकिन वचन को अप्लाई करता है, वचन के अनुसार चलता है, उसके लिए वचन जो है वो एक बड़ी शक्ति बन जाता है, वचन जो है वो सामर्थ्य बन जाता है, वो उसके लिए पावर बन जाता है। लिखा हुआ वचन को हम लोगोस कहते हैं, और जो वचन हमारे ऊपर जाहिर किया जाता है, रिवील किया जाता है, उसे हम रहमा कहते हैं। और जो लिखा हुआ वचन है वो जिंदगियां तब्दील नहीं कर सकता, लेकिन जो पावरफुल रहमा है, जो कि सामर्थ के साथ भरा हुआ रेवलेशन का शब्द है, वो जिंदगियां तब्दील करता है। और वो कब करता है? जब आप उसको अप्लाई करते हैं और वो रहमा की
की सूरत इख्तियार करता है। हालेलुया। तो ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि कई बार आपने देखा होगा कि लोग सिर्फ प्रचार करते हैं, सिर्फ उस बात की प्रीचिंग करते हैं कि हाँ वचन पर चलना चाहिए, वचन ये कहता है, वचन ये कहता है, वचन ऐसा कहता है, एंड दे हैव अ गुड नॉलेज अबाउट द स्क्रिप्चर्स, वो वचन का ज्ञान रखते हैं, बट वो वचन के अकॉर्डिंगली चलते नहीं है। अब मान लीजिए कि अगर कोई डॉक्टर है, वो जानता है, उसने अच्छी तरह से पढ़ाई की है, उसे पता है कौन सी मेडिसिन चाहिए, और अगर वो बीमार हो जाए और वो कहे कि हाँ मैं तो सारी मेडिसिन के नाम जानता हूँ, मैं तो सारी प्रिस्क्रिप्शन लिखने वाला इंसान हूँ, तो मैं अगर बीमार हो गया हूँ तो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन जानने से ही मैं ठीक हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसे उन दवाइयों को खाना पड़ेगा ताकि वो ठीक हो सके। ठीक ऐसे ही एक विश्वासी जन जो परमेश्वर के वचन को जानता है, वो इसलिए स्वर्ग में एंटर नहीं करेगा क्योंकि वो सिर्फ जानता है, वो इसलिए एंटर कर पाएगा क्योंकि वो वचन पर चलता है। चले मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। देखिए ये है सैनिटाइजर, और मैं सैनिटाइजर को अपने पास रख के ये जानूं और समझूं कि मेरे पास सैनिटाइजर है इसलिए मुझे कोई जर्म्स अटैक नहीं कर सकते, मेरे पास सैनिटाइजर है इसलिए जब चाहे मैं इनको जर्म्स के आगे रख दूंगी और जर्म्स भाग जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर मुझे जर्म्स को भगाना है तो मुझे सैनिटाइजर को खोलना पड़ेगा, मुझे सैनिटाइजर को इस्तेमाल करना पड़ेगा, मुझे उसे अप्लाई करना पड़ेगा, और जब मैं अप्लाई करूंगी तब मेरे हाथों से वो जर्म्स जो है वो निकलेंगे। ठीक ऐसे ही परमेश्वर का वचन अप्लाई करने से जिंदगियों को तब्दील करता है, अप्लाई करने से लाइफ को जो है ट्रांसफॉर्म करता है, अप्लाई करने से हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता जो है वो खोलता है। हालेलुया। ये है दूसरी चीज। तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि देखिए कई बार इंसान ये सोचता है कि वचन पर चलना बड़ा मुश्किल है, है भी, क्योंकि परमेश्वर का रास्ता जो है वो सकड़ा है, मार्ग बहुत नैरो है, लेकिन जब आप उसके अनुसार चलना शुरू हो जाते हैं तो वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। जब नया नया हम साइकिल चलाना सीखते हैं, जब बच्चा साइकिल पर चलता है तो बहुत सारी चोटें खाता है और उसे लगता है साइकिल चलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब वो बैलेंस करना सीख जाता है, जब वो गिर गिर के उठना सीख जाता है, जब वो पेडलिंग करके ब्रेक्स लगाकर उतरना सीख जाता है, तो उससे चाहे आप जब मर्जी साइकिल पकड़ा दें, वो साइकिल आराम से चलाकर आराम से वापस आ जाएगा, गिरेगा नहीं, चोट नहीं लगवाएगा, बिकॉज अब वो बैलेंस उसके माइंड में है, उसकी बॉडी उसके हिसाब से शेप अप हो चुकी है। ठीक ऐसे ही जब वचन के अनुसार हम चलते रहते हैं, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स भी लेते रहते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वचन हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है और हमें उसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता, इट कम्स आउट नेचुरली एज अ पार्ट ऑफ आवर कैरेक्टर, एज अ पार्ट ऑफ आवर नेचर। हालेलुया। एक चीज और जो मैं आपको बताऊं, देखिए हम बात करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उन लोगों को माफ किया जिन्होंने उन्हें सूली पर चढ़ाने के लिए इतने बड़े नारे लगाए और उन्हें उस जगह पर पहुंचाया। कैसे कर पाए? क्या उन्हें एफर्ट करना पड़ा? इट केम टू हिम नेचुरली बिकॉज ही वॉज लिविंग द वर्ड एवरी डे। वो हर दिन तैयार होते थे, हर दिन चलते थे, हर दिन अप्लाई करते थे उस वचन को जो कि उन्हें दिया गया था। हालांकि वो खुद वचन है, लेकिन वो फिर भी उसे अप्लाई करते थे ताकि वो कामों को अंजाम दे सके और दिखा सके कि इट इज पॉसिबल। आमीन। और चौथी चीज जो मैं बताना चाहूंगी कि नो मैटर आप कितना समय वीडियोस देखने में, गॉडली वीडियोस देखने में, अलग अलग पास्टर्स के वीडियोस देखने में, प्रीचर्स की प्रीचिंग्स को देखने में, सुनने में टाइम लगाते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक आप उन बातों को अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक आप उन बातों को लागू नहीं करेंगे, उन वचनों के हिसाब से चलेंगे नहीं जो परमेश्वर के पाक कलाम में लिखी हुई है बाइबल में, तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल है यहूदा इस्क्रूती। हम जानते हैं यहूदा इस्क्रूती भी प्रभु के साथ हर समय चला करता था, फिरता था, बातें करता था, खाना पीना खाता था, उन मिरेकल्स को देखता था, खुद भी मिरेकल्स का एक हिस्सा था, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी नहीं बदल पाई क्योंकि उसने वचन को अपनी जिंदगी में अप्लाई ही नहीं होने दिया। सो इन चार बातों को याद रखिएगा, एंड आई एम श्योर कि आज के वचन से आप जरूर उन्नत होंगे, बरकत को हासिल करेंगे, और आप जरूर हमें बताइएगा कि आपको आज का कलाम, आज का मैसेज कैसा लगा, और आगे आप किन मैसेजेस के ऊपर, किन टॉपिक्स के ऊपर हमसे बात करना चाहते हैं। और हम आपके जितने भी मैसेजेस आएंगे YouTube के ऊपर, उनमें से एक ऐसा कोई मैसेज निकालेंगे जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे अगले अपने वीडियो में। सो बी ब्लेस्ड। परमेश्वर आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।